Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S. K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BE, BTEC, BSS एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको चैप्टर वैक्टर कैलकुलस से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ DR वैक्टर अपॉन DT, डिफरेंशिएशन ऑफ वैक्टर्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पर जाके देख सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर चैप्टर वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द लेवल सरफेस को, बहुत अच्छे समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट टाइम से स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर कैलकुलस। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर एस के सिन्हा, MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे करेंगे, फिर मैं इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि एक्चुअल में टेंजेंट प्लेन क्या है एंड हाउ टू फाइंड, नॉर्मल क्या है एंड हाउ टू फाइंड। ओके तो चलिए, तो मेरे पास एक सरफेस है यहाँ पे, लेट एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी बी द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ लेवल सरफेस, विद इक्वेशन ऑफ लेवल सरफेस। सपोज पॉइंट पी एक्स वाई जेड, सपोज पी एक्स वाई जेड इज अ पॉइंट ऑन द सरफेस, इज अ पॉइंट on the surface. Okay. Therefore, position vector of P is OP vector is equal to R vector. ठीक है, the position vector of P, OP vector is equal to R vector and this is equal to xi plus yj plus z unit vector k. ठीक है स्टूडेंट्स, एंड लेट q xyz, एक पॉइंट और ले लिया मैंने इसी के साथ में, कि पॉइंट p इज द पॉइंट ऑन द सरफेस xyz इज इक्वल टू c, एंड लेट q xyz be any point on the tangent, समझ रहे हो ना आप, let q x y z be any point on the tangent plane at P. Therefore, PQ vector is equal to OQ vector minus OP vector. And this is equal to X minus X unit vector I plus Y minus small y unit vector Z, okay, plus Z minus Z unit vector K. ठीक है स्टूडेंट्स,
And this PQ, the PQ vector lies in the tangent plane at P. Thus, it is perpendicular to the tangent plane. Thus, it is perpendicular to tangent plane. But we know that it is normal to the tangent plane. लेकिन हम ये जानते हैं कि ये है tangent plane पर भी normal है. But we know that it is normal to the tangent plane. Okay. Therefore, PQ vector and grad F are perpendicular. Grad F are perpendicular. That is, PQ vector dot del F is equal to 0. देखिए फ्रेंड्स, समझ में आई आपको बात कि जो हमारा ग्रेड एफ है और जो पी क्यू है, पी इज एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, एंड क्यू इज अनदर पॉइंट, दिस इज नेबरहुड पॉइंट ऑफ द पी. ओके, सो इट मींस पी क्यू लाइज इन द टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट पी. दस इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन, एंड यू नो, वी नो दैट इट इज नॉर्मल टू द टेंजेंट प्लेन. सो देयरफॉर दिस पी क्यू वेक्टर एंड इट्स ग्रेड एफ are perpendicular, that is this PQ tangent plane dot del F is equal to 0. That is PQ vector X minus X unit vector I plus Y minus Y unit vector Z plus Z minus small Z unit vector K bracket close SA. Okay, or dot this del F, you know, this is your curly F by curly X unit vector I plus curly F upon curly Y unit vector Z plus curly F upon curly Z unit vector K. Yeah. ठीक है ना? And this is equal to 0 perpendicular for perpendicular concepts. So here, when we multiply here, this is your X minus X. I dot I 1, J dot J 1 and K dot K 1. So here this is your curly F by curly X plus Y minus Y curly F by curly Y plus Z minus Z curly F by curly Z is equal to 0. Okay, students. So which is the equation of the tangent plane at which is the equation of the tangent plane at P. ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इसके बाद है कि टू फाइंड द नॉर्मल फॉर्म. चलिए स्टूडेंट्स, मैं नॉर्मल फॉर्म को हम यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं. नाउ टू फाइंड द नॉर्मल फॉर्म, यहां पे इसको चलिए. नाउ टू फाइंड द equation of normal form. Take your students to find the equation of normal form. Let Q X, Y, Z be any point on the normal be any point
on the normal at point P, X, Y, Z. Okay, therefore, PQ vector lies along the normal, at point P. Okay, students, at point P, thus PQ vector is parallel, to the vector del F. So therefore, PQ vector dot del F. Okay. So here, therefore, it is the vector equation of the normal at P. ठीक है ना, यानी कि PQ vector into del F, PQ vector cross del F vector. So it is the vector equation. ये एक ऐसी equation create करेगा जो कि कैसी है, normal है at point P. ठीक है students. तो ये हमारी to find the equation of the normal form. इसके बाद है to find the Cartesian form. आइए students, अब Cartesian form करते हैं. तो चलिए Cartesian form में हमने क्या लेना है, चलिए नाउ टू फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म. एज पी क्यू जो वेक्टर है आपके पास वो एंड डेल एफ कैसे हैं, पैरेलल हैं. तो अगर स्टूडेंट्स वो पैरेलल हैं तो जो इक्वेशन हमारी क्रिएट होगी वो किस तरह की होगी, देखिए चलिए राइट नो प्लीज टू फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म. टू फाइंड Cartesian form. To find Cartesian form. ठीक है students. चलिए Cartesian form find out करते हैं कि as PQ vector and del F are parallel. ठीक है ना, therefore अब जो इक्वेशन है हमारी वो कैसी है, देयरफॉर एक्स माइनस एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई माइनस वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस जेड माइनस जेड यूनिट वेक्टर के इज इक्वल टू लैम्डा कर्ली एफ बाय कर्ली एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस कर्ली एफ बाय कर्ली वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस कर ली एफ अपॉन कर ली जेड यूनिट वेक्टर के, यानी कि लैम्बडा इनटू डेल एफ, ऐसा है ना ये, और लैम्बडा डेल एफ, ऐसा है ये लैम्बडा डेल एफ. ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स अब इसको अगर हम इक्वेट करें, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के, कोफिशियंट ऑफ आई जे एंड के एंड सिंप्लीफाइड इक्वेशन of normal in Cartesian form. In Cartesian form is x minus x divided by curly f by curly x. ठीक है students, देखिए, और this is equal to y minus y divided by curly f upon curly y is equal to z minus z upon curly f by curly z. ये देखिए students, ठीक है ना, so this is the Cartesian form, equation of the normal in the Cartesian form.
ओके कर्ली एक्स बाय कर्ली एक्स, सो हियर दिस इज इक्वल टू द कंप्लीट लैम्बडा इन द फॉर्म. देखिए स्टूडेंट्स, ओके तो ये थी आपकी कार्टेशियन फॉर्म. ओके तो यस, हैव यू एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड द नॉर्मल फॉर्म एंड हाउ टू फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म टू द नॉर्मल फॉर्म और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट पी. ठीक है, यानी कि एक में आपके तीन पॉइंट्स क्लियर हो गए यहाँ पे, टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट पी, नॉर्मल फॉर्म एंड द कार्टेशियन फॉर्म. ठीक है, तो उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स आपको कि द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द लेवल सरफेस की जो डेफिनेशन है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आर्टिकल है इसका, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है. अब मैं यहाँ से करता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन. आइए तो लिखे क्वेश्चन है आपके पास, टू फाइंड द टेंजेंट प्लेन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट डाउन प्लीज. विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, दिस आर्टिकल, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. ठीक है, तो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन. क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस एंड नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 25. ओके, एट द पॉइंट पी 403. ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए, ठीक है, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल 25 एट द पॉइंट पी 403. चलिए करते हैं नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज नोट, द इक्वेशन ऑफ द सरफेस इज एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 25 इज इक्वल टू 0. इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1. ठीक है स्टूडेंट्स, ये गिवन आपको इक्वेशन ऑफ द सरफेस. ओके, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 25 इज इक्वल टू 0. एंड नाउ ग्रेड एफ इज इक्वल टू कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स यूनिट वैक्टर आई, कर्ली एफ अपॉन कर्ली वाई यूनिट वैक्टर जे प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली जेड यूनिट वैक्टर के. ये स्टूडेंट्स हमारे पास डेल एफ. और अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, ठीक है ना, तो कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स ये हो जाएगा 2x यूनिट वेक्टर i विद रिस्पेक्ट टू y यूनिट वेक्टर y z प्लस 2z यूनिट वेक्टर k. एंड दिस इज इक्वल टू 4 × 8 यूनिट वेक्टर i प्लस 0z प्लस 6 यूनिट वेक्टर k एट पॉइंट 403. ये आ गया आपके पास 8i प्लस 0j प्लस 6k. देयरफॉर वेक्टर अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस, देयरफॉर वेक्टर अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस एट पी 403 इज 8i प्लस 6k. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया क्योंकि वेक्टर अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस एट पी 403 इज 8 यूनिट वेक्टर i 6k. ठीक है ना, तो अब लेते हैं हमें यहां पे इफ q एक्स वाई जेड, मैंने कैपिटल लेटर में ले लिए ये,
कि इफ, क्योंकि सरफेस हमारा स्मॉल लेटर में है तो मैंने ये ले लिया क्यू एक्स वाई जेड इज एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट प्लेन इज एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट प्लेन द पी क्यू वेक्टर बींग इन द टेंजेंट प्लेन इज बींग इन द टेंजेंट प्लेन इज perpendicular to the normal to the surface, perpendicular to the normal to the surface. ठीक है स्टूडेंट, सो ग्रेड डॉट पी क्यू, यानी कि क्या फॉर्मूला है, ग्रेड एफ डॉट पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू जीरो, डेल एफ डॉट पी क्यू वैक्टर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेल एफ डॉट पी क्यू वैक्टर, तो डेल एफ आपके पास क्या है, नाउ एट आई प्लस सिक्स यूनिट वैक्टर के, एंड दिस पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू जीरो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखिए यहाँ पे, नाउ 8i प्लस 6k ब्रैकेट क्लोज एंड ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर दिस इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है ना, माइनस ओ पी वैक्टर पॉइंट पी 4i प्लस 0j प्लस 3 यूनिट वैक्टर के, ये पॉइंट है स्टूडेंट्स. ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो अब इसको ओपन करते हैं, 8i प्लस 6 यूनिट वेक्टर के और ये x माइनस 4 यूनिट वेक्टर i प्लस y माइनस 0 y और z और प्लस y माइनस 0 j, ठीक है ना, यानी कि ये ऐसे, और z माइनस 3 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जीरो. ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करते हैं इनको आपस में, तो क्या आ जाएगा, 8 एक्स माइनस 4 वाई, तो वाई हमारे पास यहां पे नहीं है, दिस इज जीरो प्लस 6 और जेड माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा, दिस इंप्लाई दैट 8x प्लस 6z माइनस 32 और माइनस 18 इज इक्वल टू जीरो. तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 8x, चलिए ऊपर करता हूँ इसको मैं, यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया सभी को, यस हैव यू एनी प्रॉब्लम, ओके यस नो प्रॉब्लम. तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट मैं लेता हूँ यहाँ पे, ओके नाउ दिस इंप्लाइड दैट 8x प्लस 6z माइनस 50 इज इक्वल टू जीरो, 4x प्लस 3z माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो. इसको ले लिया स्टूडेंट्स मैंने इक्वेशन नंबर 2, 4x प्लस 3z माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो, विच इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, विच इज द इक्वेशन of the tangent plane at point 403. देखिए स्टूडेंट्स ये, ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज, अब हमने निकालना है,
normal in the Cartesian coordinate. Equation of the normal in the Cartesian coordinate is x minus 4 divided by curly f by curly x is equal to y upon curly y is equal to z minus 3 divided by curly f upon curly z. And this implies that x minus 4 divided by curly f by curly x, this is your 2x, and at point 4 this is your 8, is equal to y upon curly f by curly y, this is your 2y and this is 0. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारा खत्म ही होगा, y upon 0. और दिस इज इक्वल टू z माइनस 3, कर लिया बाय कर लिया, दिस इज 2z एंड एट पॉइंट 3 दिस इज योर 6. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे दिस इज योर 6. तो हेयर दिस इंप्लाई दैट x माइनस 4 डिवाइड बाय 2 से 1 से इसको 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 y बाय 0 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाय 3. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज योर answer. This is your equation of the normal to the Cartesian coordinate. Okay. तो ये था students आपके लिए एक बहुत ही important question from the equation of the tangent plane and normal to the level surface. Okay. तो उम्मीद करता हूँ students आपको मेरा आज का lecture बहुत अच्छे समझ में आ गया है, और उससे ये related एक important question. ये क्वेश्चन भी बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एग्जाम में आ चुका है. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपके लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी मैं इससे फर्स्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ आपको. तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैंने आपको डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, नॉर्मल फॉर्म, ये सब मैंने आपको करवाया है, डेल एफ डॉट यूनिट वेक्टर. इसके बाद मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल एंड लेवल सरफेस से और डायरेक्शनल डेरिवेटिव से आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको अपने चैनल MIS इंडिया में करवाऊँगा. तो अगला जो मेरा लेक्चर होगा इसके बाद, तो उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द लेवल सरफेस एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स. ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा ऑन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द लेवल सरफेस. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया है. और इसके बाद भी स्टूडेंट्स अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करूँगा, डेफिनेटली. ओके, तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, आर्टिकल थ्योरम्स. तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.